आज तुमने परी के लिए मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या जो माँ नहीं बन सकती उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? क्या उसे अपने पति का प्यार नहीं चाहिए होगा? अभी नहीं सोचा था मैंने संजू कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। आज तुम्हें सिर्फ परी की चिंता है। भले फिर तुम्हारी नीति मेरे तो मर जाए, तुम्हें सिर्फ परी से मतलब है और किसी से नहीं है ना। कितने सेल्फिश हो गए हो तुम। कल तक जो नीति तुम्हारी जिंदगी थी, आज उस नीति को ही भूल गए। मेरी कोई कदर नहीं है तुम्हें। नहीं संजू, मैं तुम्हें परी के हाथों कोने नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी हो मेरा पहला और आखिरी प्यार, और तुम्हारी बीवी मैं हूं, परी नहीं। परी दूसरी औरत है, और तुम जानते हो ना समाज में दूसरी औरत को क्या कहा जाता है। परी, तूने दोस्त बन के जो मेरे दिल पे छुरा मारा है ना, वो मेरे सीने के आर पार हो गया। मैंने खुद को इतना कमजोर कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन तूने जो करना था वो तूने कर लिया। अब मेरी बारी, मैं संजू को और अपनी खुशियों को तुझसे वापस लेकर रहूंगी। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने सपने देख ले मेरे संजू के, लेकिन मैं कभी संजू को तेरा नहीं होने दूंगी। तूने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है ना, तो अब तू देख मैं तुझसे क्या क्या छीनती हूँ। परी, ऐसा हश्र करूंगी ना मैं तेरा कि तुझे कोई पहली बीवी बनाने के बारे में तो क्या दूसरी बीवी बनाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का, उनके दिलों के साथ खेलने का। तो चल ठीक है, अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि खेल कैसे खेला जाता है। आज तक तूने मेरी दोस्ती देखी है परी, अपने लिए प्यार और केयर देखा है, लेकिन अब तो मेरी नफरत देखेगी। और एक बात हमेशा याद रखना तू, संजू कल भी नीति का था, आज भी नीति का, और हमेशा नीति का ही रहेगा। और तू कल भी दूसरी औरत थी, आज भी दूसरी औरत है, और हमेशा वही रहेगी। अब हम दोनों के बीच में दोस्ती का नहीं, सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है परी। अब ये लड़ाई दो सौतनों के बीच की है, और इस लड़ाई को तो मैं जीत कर रहूंगी। अब मैं किसी भी कीमत पर तुझे माफ नहीं करने वाली, अभी नहीं। ये लो गर्मा गर्म खाना। थैंक यू। परी, अब कैसा फील कर रही हो तुम? पहले से काफी बेटर है। दिन में पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मम्मी जी ने बताया कि प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम में ये सब होता है। टेंशन वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है। परी, एक सेकंड, ये लो पानी पियो, आराम से। अब ठीक है? थैंक यू। नीति कहाँ रह गई थी तू? तेरा कितना वेट किया। अच्छा, तो फिर खाना शुरू क्यों कर दिया? वो मैंने बोला था परी को, क्योंकि तुम चेंज करने वाली थी ना। क्या हुआ तुमने? एक मिनट संजू, मैं तुमसे बात नहीं करी, प्लीज बीच में मत बोलो। क्या हुआ नीति? नीति क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तेरे होते हुए सब कैसे ठीक हो सकता है परी? नीति ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज मत करो ये सब। नीति यहाँ के बैठ बात करते हैं। क्या बात है? तुम दोनों के बीच में जगह है मेरे बैठने की? नीति कैसी बातें कर रही हो तुम? आओ बैठो मेरे साथ, आ जाओ इधर बैठो। ये नीति को अचानक से क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कहीं इन दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नीति क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तू मेरी दोस्त है ना?
मुझे बहन से भी बढ़कर मानती है? तुझे मेरी अच्छाई बुराई पसंद नापसंद सब पता है ना, तो फिर इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे कौन सी बात तकलीफ दे रही है? नीति, ये सब बातें करके ना तुम रिश्तों को दाव पे लगा रही हो। वाह संजू मेहरा, क्या बात है, मैंने आज दो शब्द क्या बोल दिए, तुम मैं रिश्तों को दाव पर लगा रही हो? और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? हम दोनों के रिश्ते को तो दाव पर लगाते हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को जब सच सामने आएगा तो क्या होगा? कौन से सच की बात कर रही हो तुम? रिश्तों को दाव पर मैंने नहीं लगाया बल्कि तुम दोनों ने लगाया। दाव पर क्या, पर क्या? इसने तो रिश्ते को तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, चाहे वो रिश्ता बहन का हो या फिर दोस्ती का। पर अगर नीति मेरी बात नहीं मान रही है तो तुम मान लो प्लीज, रूम में चले जाओ, जब उसका मूड ठीक होगा तब बात कर लेना प्लीज। नहीं संजू, अभी नीति की बात पूरी नहीं हुई है और जब तक इसकी बात पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरी गलती क्या है, मुझसे नाराज क्यों है। नीति बता मुझे प्लीज, बता हुआ क्या है, ऐसा क्या कर दिया यार मैंने? क्या कर दिया है तूने? सब कुछ तेरी वजह से ही तो हो रहा है परी। मुझे क्या लगा तू सब कुछ मुझसे छीन लेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं चुप बैठी रहूंगी? परी चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मेरे रिश्तों को मुझसे नहीं छीन पाएगी। ये घर, ये फैमिली मेरी है तेरी नहीं है, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ये घर कभी तेरा नहीं होगा, समझी? इस घर पे जो हक मेरा है ना तेरा कभी नहीं हो सकता। तू सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्त ही रहेगी, इस घर की मेंबर नहीं बन सकती, इसलिए इस घर के सपने देखने बंद कर दे। ये सब क्या बातें करी जा रही हो? उसकी तबीयत देखो, प्रेग्नेंट है वो, और तुम की बोले जा रही हो कुछ ना कुछ। इनफ संजू, संजू तुम्हें इसकी हालत दिखाई दे रही है लेकिन मेरी सिचुएशन कभी समझने की कोशिश की है क्या तुमने? मेरे दुख और दर्द से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बस नीति बात करो, ये अब अपनी हद पार कर रही हो तुम। अब ये सपना मुझे नहीं, इसे बोलो, हद पार इसने की है, मैंने नहीं, और ये इतनी आगे बढ़ गई है कि मुझे आज इसे बोलना ही पड़ा। और वैसे भी जो इंसान गलत होता है और जब अपनी लिमिट क्रॉस करता है ना उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है और उसे सही गलत का जवाब देना होता है। आज तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होगी ना तू, कलेजे को ठंडक मिल गई तेरे, आज तेरी वजह से मैं और संजू एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, सबके सामने खड़े होकर एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुझे। एक बात बता, तू सच में बीमार है भी या नाटक कर रही है सबकी सिंपैथी लेने के लिए? बहुत मजा आता है ना तुझे लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये जो भोलेपन का नकाब लगा के घूम रही है ना तू अपने चेहरे पे, मैं सब कुछ पहचान गई हूँ। तू अपने इस नकली चेहरे से बाकियों को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं समझी? बचपन से लेकर आज तक बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरा परी, लेकिन अब तेरी सारी असलियत मेरे सामने आ गई है, समझी? आज तो नीति छक्के पे छक्के मारे जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता और इस परी को इस घर से बाहर निकालने से। इस घर में नीति का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तूने ही किया है, सालों की दोस्ती को दिनों में तोड़ दिया तूने। लोग ऐसे ही कहते हैं कि बचपन की दोस्ती बहुत गहरी होती है, एक बार गहराइयों में जाके तो देखो कितना अंधेरा है वहाँ। स्टॉप इट नीति, पानी ना सर के ऊपर से जा चुका है। और किस बात का गुस्सा है तुम्हें? आज सुबह ही हमने सारी चीजें सॉल्व की हैं कि नहीं, और ये भी डिसाइड किया था कि कोई भी बात होगी उसको बात करके सॉल्व करेंगे, तो किस बात का गुस्सा नीति? मैंने डिनर पे जाने के लिए मना कर दिया इसलिए? कितनी इमेच्योर हो सकती हो तुम नीति, और किसको सुना रही हो? परी को, उस परी को जिसके लिए जान देने के लिए तैयार रहती हो तुम, उस परी को जिसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हो तुम। जान थी वो तुम्हारी, लेकिन जब जान ही जान लेने पर उतारू हो जाए ना तो किसी काम की नहीं रहती। संजू हमारे बीच में सब कुछ कितना अच्छा था, हम अपने ग्रुप के बेस्ट कपल हुआ करते थे, कभी झगड़ते नहीं थे, लेकिन जब से परी आई है ना उसने सब कुछ खराब कर दिया है। और तू ये आंसू बहा के ना सबको अपनी तरफ करने का नाटक बंद कर दे, जरा सा
कोई कुछ बोलता नहीं है, रोना शुरू हो जाती है। कैसे कर लेती है इतना ड्रामा? बचपन से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है,